बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 30 दिसंबर है और दिन है हफ्ते का। आज पाकिस्तानी सियासत के लिए अहम दिन है। वैसे तो हर आने वाला दिन पाकिस्तानी सियासत के लिए अहम होगा, लेकिन आज का दिन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आज स्क्रूटनी का आखिरी दिन है और आज इम्कान यह है कि पाकिस्तान की 76-77 साल तारीख में एक नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है। उसकी वजह यह है कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से लिस्टें दे दी गई हैं। मामला ये है कि स्क्रूटनी आज जब मुकम्मल हो जाएगी और तो आज लिस्टें जो है वो जारी कर दी जाएंगी कि जनाब इन इनके कागजात नामजदगी एक्सेप्ट हो गए हैं, इनके मुस्तरद हो गए हैं। तहरीक इंसाफ ने बता दिया है, पहले ये प्लान यह है कि 400 से 500 तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए जाएँ, इमरान खान साहब के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए जाएँ, पीटीआई की मेन लीडरशिप के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए जाएँ। उसकी वजह यह है कि जो इश्तहारी फरारी मफरूर भगोड़ा जो पाकिस्तान के दारों को मतलूब था, जो सजाए याफ्ता मुजरिम था, उसको जिस तरह से लाया गया, उसको जिस तरह से फैसिलिटेट किया गया, वो लाडला है। और वो कहते हैं कि लाडला खेलने को मांगे चांद। और मैं सराइकी की एक मिसाल आपको दिया करता हूँ कि सराइकी में कहते हैं कि हिक पिनना दूजे हलवे दी खरायत, कि एक मांगने वाला और ऊपर से कहते हैं कि मैं खरायत भी कोई और चीज़ नहीं लूँगा, मुझे हलवा ही दो खैरात में और हलवा बना के दो। तो वो कहते हैं कि एक तुम मांगने वाले हो, एक तुम पिनने हो, पिनना हमारे सराय की ज़बान में कहते हैं, और ऊपर से तुम्हारे नखरे चेक करो कि मैंने हलवा ही खाना है और मैंने हलवा ही लेना है खैरात में। तो यहाँ पे भी वही चीज़ चल रही है। अब लाडला जो है उसकी इतनी ख्वाहिशात हैं, इतनी ख्वाहिशात हैं कि मतलब उसकी हर ख्वाहिश पूरी होती चली गई, लेकिन ख्वाहिशात ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। मतलब कि देखे ना कि इमरान खान जेल में बल्ले का निशान वापस ले लिया, वो तो खैर इस्लामाबाद उन्होंने पेशावर कोर्ट ने जुरत का मुजाहरा किया, उन्होंने दे दिया। और उसके अलावा पीटीआई का नाम नहीं है, इमरान खान का टीवी पे नाम नहीं आ सकता, उसकी तस्वीर नहीं आ सकती पीटीआई के। अब इस वक्त जो है वो तजवीज़ कुनंदगान तायद कुनंदगान को जिस तरह से उठाया गया सारी सूरत हाल। तो रात देखें, मैंने आपको ये बात तो बड़ी तफसील से बताई थी कि मुझे नहीं लगता कि हवाओं का रुख जो है वो तब्दील होना शुरू हुआ है। जो रिलीफ पीटीआई को मिले वो उसकी वजह यह है कि अब और क्या हो सकता था, यानी खदीजा शाह को आपने तमाम केसेस में मुलविस करके देख लिया। क्वेटा के बाद फिर आप क्या करते, आप सिंध ले जाते, सिंध के बाद आप केपीके ले जाते, दो दिन चार दिन पाँच दिन छः दिन, छः दिन बाद तो आपने छोड़ना था, सात दिन बाद तो छोड़ना था, कब तक आप उनको रखते। तो इसलिए ये जो पीटीआई को रिलीफ मिले हैं ये रिलीफ पीटीआई को मेरिट पर मिले हैं, ये रिलीफ भी आप इसको नहीं कह सकते, ये मेरिट पे आईन कानून के मुताबिक उनका हक था कि उनको ये इंसाफ मिलना चाहिए। अब मसला ये हुआ कि उस पर घबराहट भी बहुत है, कांपें टांगी हुई हैं कि ये क्यों ये सारा कुछ हुआ है अचानक। ये अचानक नहीं हुआ, ये इतने चीज़ें चलती रहीं और अल्टीमेटली उन्होंने अपने किसी कंक्लूजन की तरफ बढ़ना था और वो बढ़ रही हैं चीज़ें। अब वो इतना ही होता है, इससे ज़्यादा क्या होता है। अब मसला ये है कि मियां नवाज शरीफ जो हैं उनका वो कहते हैं कि जनाब पीटीआई वो पहले तो कहते हैं भला ना हो, तो उसके लिए आपने फिर देखा नेक परवीन ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और नेक परवीन जो है उसने बड़ा एतराज़ किया कि बल्ले का निशान पीटीआई को क्यों दिया गया है। और वो नेक परवीन की बात कर रहा हूँ जो लाहौर से कराची गई हुई थी और जो नेक परवीन कहती थी कि एक धेले की मैंने करप्शन नहीं की और फिर अरबों रुपये की करप्शन लूट मार का मामला निकल आया था और जिस दिन फर्द जुर्म लगी थी उस दिन प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। तो ये तो हमारे मुल्क का सिस्टम है। फिर हम कहते हैं कि हमारे पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान से मायूस क्यों हैं, पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान छोड़ के क्यों जाना चाहते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानियाँ पाकिस्तान वापस क्यों नहीं आना चाहते, लोग आप पाकिस्तान से अपनी इन्वेस्टमेंट क्यों निकाल रहे हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी मजीद इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं भेज रहे। हम जब ये बात करते हैं तो ये इसकी वजह हम खुद हैं। जब हमारा सिस्टम हमारा निज़ाम जो चोर डाकू लुटेरे हैं उनको मुसल्लत कर देगा, जब हमारा सिस्टम चोरों डाकुओं लुटेरों को बजाय उनके एहतसाब का के बजाय उनसे लूटा हुआ पैसा वापस लेने के उनको प्राइम मिनिस्टर और उनको सीएम बना देगा, तो फिर यही होगा, उनको इक्तदार हवाले कर दिया जाएगा, यही होगा, लोगों की मायूसी बढ़ेगी। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो 1 करोड़ ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, ज़ाहिर है वो दुनिया के उन मुल्कों में रहते हैं जहाँ पे आइन है, जहाँ पे कानून है, जहाँ पे निज़ाम है, जहाँ पे कोई थोड़ी सी शर्म है, हया है, जहाँ पे एक मतलब असूल है, ज़ाबते हैं, कायदे हैं। यहाँ वाला सिस्टम नहीं है जो यहाँ पर है कि मतलब एक के इसलिए ये शबाशी क्यों पसंद है, इसलिए पसंद नहीं है कि पाकिस्तान के लिए ठीक है, इसलिए पसंद है कि है बड़ा ताबेदार, सर झुका के डांट खाता रहता है, कहता है मैं खादिम, मैं नौकर, मेरी आल औलाद आपकी खादिम, मेरी आल औलाद आपकी नौकर, मेरी भतीजी आपकी खादिम, मेरा भाई वो भी अब बदल गया, ये इसलिए शबाशिब हमें पसंद है और कोई वजह नहीं है। ये नहीं है कि वो पाकिस्तान के लिए बेहतर है, नहीं 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 नहीं, वो है ताबेदार, सर झुका के और बात सुनता रहता है। अच्छा, अब नून लीग ने लिस्टें दी हैं जनाब कि ये तो मैदान में नहीं होने चाहिए पीटीआई के उम्मीदवार, ये हुए तो हम नहीं हैं। और आजकल तो ये बल्ले के नाम से इतने खौफजदा हैं, इतने खौफजदा हैं कि यकीन करें कि आप इनके पास से गुजरते हुए बल्ला कह देना तो पता नहीं इनके साथ क्या हो जाए। और मैंने वो एक लाइटर नोट पे एक ट्वीट किया था कि दो अफराद जाती उम्र के बाहर जो है ना वो ठप्पे पे ठप्पा बल्ले पे ठप्पा कहकर और फरार हो गए नामालूम अफराद,
और उसके बाद जो है वो खौफ हिरास फैल गया पूरे जाति उमरा में, इतना खौफ है इनको बल्ले का। इसलिए नेक परवीन ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जो है ना वो अब नेक परवीन भी रो रही थी और बड़ी आओ बका थी, आएँ थी, सिसकियाँ थी, चीखें थी कि परेशानी थी कि बल्ला होगा तो भाई बल्ला अगर ना भी हुआ बल्ला अभी, क्योंकि नए प्लान का आगाज़ हो गया है और ये सारा माहौल बनवाया गया है और सारी चीज़ें, अगर बल्ला नहीं भी होगा तो कोई ना कोई निशान तो होगा, लोग देंगे वोट। और दूसरा यह है कि पीटीआई जो है वो एज ए पार्टी तो अभी वो रजिस्टर्ड है, तो ये एक आगे चीज़ें जाएंगी। आप बल्ला ले भी लेंगे, सीटें तो आपको मखसूस नशस्तों वाली देनी पड़ेंगी, ये नहीं है कि आपको नहीं देनी पड़ेंगी, वो तो देनी पड़ेंगी, बहुत कुछ अभी होना है। अब आज अगर जिस तरह का प्लान है कि सैकड़ों पीटीआई के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी अगर मुस्तरद किए जाएंगे तो ये मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में और ये भी इस पर बनेगी स्टोरी कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में क्या किसी इलेक्शन में इतने कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं जो इस बार होने जा रहे हैं। और उसमें सारा इस वक्त जो है वो मामला जस्टिस काजी फ़ाइज़ इसा साहब पर है, क्योंकि वही जो है इस वक्त मेन किरदार हैं जिन्होंने इस इलेक्शन के लिए इन आरोज़ को लगाया, क्योंकि ये आरोज़ तो इनकी तो करी कलदम हो गई थी। किसने इनको लगाया? इनको काजी फ़ाइज़ इसा साहब ने लगाया। काजी फ़ाइज़ इसा साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान, उनके साथ थे जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब और उनके साथ थे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब। इन तीन जजेस ने इन आरोज़ को बहाल किया, इन आरोज़ की सफाइयाँ दी, इनकी वकालत की और कहा कि ये बड़े ज़बरदस्त लोग हैं, बड़े शानदार लोग हैं। अब यही आरोज़ अगर सैकड़ों लोगों के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर देंगे तो फिर कौन जिम्मेदार है? 100% सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है, 1000% जस्टिस काजी फ़ाइज़ इसा साहब जिम्मेदार हैं जिन्होंने इन आरोज़ को बहाल किया। पीटीआई तो गई थी कि जनाब ये एग्जीक्यूटिव के मातहत हैं, ये निगरान हुकूमतों के मातहत हैं, ये बायस्ड हैं, ये हमारे खिलाफ बहुत चीज़ें कर चुके हैं, इसलिए मेहरबानी करें। उन्होंने कहा नहीं, यही होंगे और यही कराएंगे इलेक्शन और ये इतना शानदार इलेक्शन करवाएंगे, बिल्कुल शानदार करवा रहे हैं जनाब, नज़र आ रहे हैं। अब होगा यही कि जब आप देखेंगे कि ये मामलात अदालतों में आएंगे और इस बार तो ऐसा फ्लड गेट खुलेगा, इतने मामलात अदालतों में आएंगे। इससे पहले आप देखें इलेक्शन कमीशन में कितनी दरख्वास्तें गई हैं, गो कि इलेक्शन कमीशन ये गलत बयान ही कर रहा है कि हमारे पास बहुत कम कंप्लेंट्स हैं, यानी पीटीआई की, सिर्फ पीटीआई है तो मेन तो पीटीआई की कंप्लेंट्स हैं, लेकिन इतनी सारी जमातों की मिला के कभी कंप्लेंट्स नहीं आई होंगी इलेक्शन कमीशन के पास इलेक्शन से पहले जितनी इस इलेक्शन में आएंगी। पाकिस्तान की तारीख में कभी इस तरह से कागजात नहीं छीने गए, पाकिस्तान की तारीख में कभी इस तरह से उम्मीदवार अगर कोई आया तो उसको गिरफ्तार आरओ ऑफिस से नहीं किया गया, पाकिस्तान की तारीख में तजवीज़ कुनंदगान, तायद कुनंदगान को गिरफ़्तार नहीं किया गया, पाकिस्तान की तारीख में जो है वो कागजात छीन के और फाड़े नहीं गए, पाकिस्तान की तारीख में ये नहीं हुआ कि आरओ की टेबल से जो है वो कागजात उठा के ले जाएँ, पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ कि सूबाई इलेक्शन कमिश्नर चीफ सेक्रेटरी को लिख के कहे कि जनाब आइन कानून कायदा जाबता इलेक्शन कमीशन की डायरेक्शन इलेक्शन कमीशन का कानून सब वायलेट हो गया है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी अदालत ने इलेक्शन से पहले ये नहीं कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, पाकिस्तान की तारीख में कभी इस तरह से इलेक्शन से पहले किसी जवाब से निशान नहीं लिया गया, तो ये सारी वो थी पाकिस्तान की तारीख में किसी पॉलिटिकल पार्टी के इंटर पार्टी इलेक्शन मुस्तरद नहीं किए गए, ये सारी चीज़ें पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हो रही हैं और किसके दौर में? चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ इसा साहब के दौर में। और इस सब का बेनिफिशियरी कौन है? क्योंकि उनको ये बड़ा मसला होता है, ये जो कुछ हो रहा होता है इसका बेनिफिशियरी कौन होता है? ये 2017-18 में अगर अदलिया को मैनेज किया जा रहा था तो उसका बेनिफिशियरी कौन था? उसका नाम लें, यानी इमरान खान का नाम लें, भाई इमरान खान बेनिफिशियरी था। अच्छा चले एक लम्हे के लिए मान लेते हैं आपकी कि इमरान खान बेनिफिशियरी था उस वक्त, गो के मैं कहता हूँ कि ये सिर्फ एक झूठा बयान है कि नवाज शरीफ को सजाएँ दिलवाई गई थी। भाई नवाज शरीफ के ऊपर जेन्युइन केसेस थे और वो बिल्कुल ठीक सजाएं हुई थी, कौन कहता है वो गलत जो है ना, किस बेस पे आप कहते हैं कि गलत सजाएं हुई थी? भाई बात ये है कि अगर एक बंदे के घर में चोरी होती है, पाकिस्तान का सिस्टम इतना करप्ट है कि आपके हमारे किसी के घर में चोरी हो जाए और हमारा राइट है कि हमारी FIR हो, नहीं होगी, हमें किसी तगड़े बंदे से फ़ोन कराना पड़ेगा कि जनाब ये FIR कर दें, तो इसका क्या मतलब है कि हमारी चोरी नहीं हुई थी, हमने झूठी FIR करवाई है? या अगर उसमें चोर पकड़े जाते हैं तो आप ये कहेंगे कि इन्होंने दबाव देकर FIR करवाई थी? तो भाई बात यह कि पाकिस्तान का सिस्टम ऐसा है कि केसेस आगे चलाने के लिए फिर बहुत कुछ करना पड़ता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक मॉनिटरिंग जज लगाया और ये सारी चीज़ को सुपरवाइज किया, क्योंकि नीचे मामला नहीं चलने थे, शरीफ खानदान ने कभी नहीं चलने देना था, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ठीक किया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि किस तरह से सारे इदारे जो हैं वो शरीफ खानदान के आगे लेटे हुए हैं, वो FPR ने कह दिया और इसने बाकी भी नैब ने कह दिया कि अखबारी खबरों पे हम कोई एक्शन नहीं लेंगे, पनामा की बात कर रहा हूँ, फिर सुप्रीम कोर्ट से मामला टेकअप हुए तो मामला आगे बढ़े। तो आज
इम्कान यह है कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा कागजात नामजदगी रिजेक्ट होंगे, और अगर ये होंगे तो ये मामला फिर अदालतों में जाएंगे और सारा बोझ एक शख्सियत पर है और जिसका नाम है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जिन्होंने इन आर ओज़ को बहाल किया, इन आर ओज़ को लगाया और उन्होंने इनकी सफाइयाँ दी, इनकी वकालत की। अब देखते हैं बहरहाल क्या होता है। और नून लीग ने तो लिस्टें दे दी हैं कि ये उम्मीदवार हमें नहीं चाहिए इलेक्शन में, पीटीआई की तरफ से अगर ये हुए तो फिर हमारी छुट्टी है। और आपको पता है कि इस वक्त लाडले की ख्वाहिशात तो सारी पूरी की जा रही हैं, अब आज ये ख्वाहिश किस हद तक पूरी होती है ये आज रात तक पता चल जाएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें, अल्लाह करीम हम सबका हमें नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।